तो पहला हम लोग लेते हैं बच्चा लोग ए, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरीनेशन, ये जो क्लोरीनेशन होता है ये ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड। तो यदि मैं क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लेविस एसिड करूंगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। तो क्लोरोबेंजीन आप लो यहाँ, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैं क्लोरीन के साथ कर रहा, Cl-Cl इन प्रेजेंस ऑफ वॉट बच्चा लोग, एनहाइड्रस AlCl3। इसको मैं हीट करता हूँ, बराबर है। ये 2 मोल्स आप ले लो, 2 मोल्स लो और ये 2 मोल्स लो, तो क्या होगा, एक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे रिएक्शन होगा। ऑर्थो से H निकलता है, वहां Cl अटैच होगा, तो एक Cl इधर अटैच होगा, प्लस दूसरा जो होगा बच्चा लोग पैरा पोजिशन पे होगा, तो पैरा पोजिशन पे यहाँ Cl होगा और यहाँ Cl होगा, प्लस क्या बनेगा आपका 2HCl। यस और नो स्टूडेंट? यस। इसका नाम क्या है मालूम है? ये 1,2-dichloro, 1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग 1,4-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene। ये कभी भी ना पैरा प्रोडक्ट इज व्हाट मेजर स्टूडेंट, तो ये मेजर होता है और ये प्रोडक्ट जो होता है ये माइनर होता है ना। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट सीएल प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा ना वो सीएल प्लस होता है, सीएल प्लस। तो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से पोजीशन पे हो रहा, ऑर्थो एंड पैरा। दूसरा बी आते हैं हम लोग, बी है बच्चा लोग नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। टेल मी नाइट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? नाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं। इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चे लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस मिक्सचर इज नोन एज व्हाट, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू कैरी आउट द नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन कैरी आउट करने के लिए यूज करते हैं। देखो कैसा रिएक्शन होगा, ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, सिमिलर टाइप रिएक्शन, कुछ चेंज नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसा लिखू, HONO2, HONO2 कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चा लोग, आप इसको हीट करो, हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये 2 मोल्स लेते हम लोग, ये भी 2 मोल्स लेंगे। ऑर्थो पोजीशन से H निकलता है, OH के साथ जाएगा, वाटर बनेगा, नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच होगा। यहाँ पैरा पोजीशन से निकलता है एंड फॉर्म्स मॉर्फेट, यू विल गेट लाइक दिस बेंजीन, यहाँ Cl होता है और नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच होता है, प्लस बेंजीन, यहाँ Cl होगा, नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच होता है, प्लस बनता है 2H2O। What is the name of this compound? बच्चा लोग ये 1, ये 2, इसको हम बोलते हैं 1-chloro-2-nitro-1-chloro-2-nitrobenzene। इसका नाम क्या होगा बच्चा लोग, इसी तरह इसका भी नाम लिखो, क्या होगा बोलो, 1-chloro-4-nitrobenzene, 1-chloro
4 नाइट्रो बेंजीन, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये जो होगा वो मेरा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो अगेन दिखाई दे रहा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही बनी। सी पार्ट आता है सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सी पार्ट आता है बच्चा लोग सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन को, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करना। क्या होता है सल्फोनिक ग्रुप का फॉर्मूला बच्चा लोग, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग सल्फोनेशन करते हैं। तो अगेन आई एम टेकिंग हियर क्लोरोबेंजीन, अगेन आई एम टेकिंग हियर क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करो HOSO3H कॉन्सेंट्रेटेड, इसको वार्म करते हैं हम लोग, ये 2 moles यूज करते हैं, ये भी 2 moles यूज करते हैं। तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट बेंजीन, ये क्या होगा बच्चे लोग Cl, यहाँ क्या होगा SO3H होता है प्लस बेंजीन, बेंजीन ये Cl होगा, ये क्या होगा आपका SO3H होता है प्लस 2H2O। इसका नाम क्या होगा, यहां से नंबरिंग होगा बच्चे लोग 1 और ये 2, इसको हम बोलते हैं 2-chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है बच्चे लोग माइनर प्रोडक्ट, और इसका नाम होता है बच्चे लोग 4-chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट कभी भी मेजर होते हैं। तो मैंने 3 रिएक्शन बताए क्लोरीनेशन। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होने वाला वो NO2+ होने वाला, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो NO2+ होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। सर डाउट है एक। हाँ बोलो। सो वो लास्ट वाले रिएक्शन में हमने सीएल को 1 क्यों नहीं दिया रोकेंट नंबर, और SO3H को दिया पहले? प्रायोरिटी ऑर्डर में सल्फोनिक ग्रुप पहले आता है ना। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने किया था ना, एसिड सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, एल्कीन, अल्काइल, ईथर, नाइट्रो एंड हेलो। ये सल्फोनिक ग्रुप में ना, ये सल्फोनिक ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ ये दोनों प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इस पर कुछ नहीं हुआ, समझा? Yes. Just read it.
चले आगे बच्चा लोग आगे, यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट दो और रिएक्शन हम लोग इसी में है, एक फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ असाइलेशन पे। दो रिएक्शन और इसमें ही, एक है बच्चा लोग फ्रिडल क्राफ, अल्काइलेशन हम लोग करते हैं, फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, और दूसरा होता है बच्चा लोग फ्रिडल क्राफ असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ असाइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन के लिए मैं देखो ऐसा ले रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन मैंने लिया बच्चा लोग, और इसको मैं अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करूँ, 2 moles ऑफ एनी अल्काइल हैलाइड्स, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते, इन प्रेजेंस ऑफ वॉट बच्चा लोग, एन हाइड्रास AlCl3, हीट करते इसको, ये 2 moles होगा, 2 moles। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, एक ऑर्थो पे आएगा, ये सीएल यहाँ आर अटैच होगा, और एक पैरा पोजीशन पे आएगा, एक कहाँ आएगा पैरा, यहाँ सीएल आएगा, यहाँ पैरा पोजीशन, प्लस बनता है बच्चे लोग 2HCl, बराबर है। ये मेजर प्रोडक्ट होता है मेरा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना बच्चा लोग, इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज आर प्लस, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बच्चा लोग, आर प्लस, अल्काइल कैटाइंस होते हैं, आर प्लस होगा, बराबर है। तो लेट्स राइट वन एग्जांपल, सपोज मुझे यहाँ आर के जगह मैं CH3 रखता हूँ, सपोज मैंने आर के जगह CH3 रखा, तो ये क्लोरोबेंजीन ऐसे रहेगा आपका, क्लोरोबेंजीन प्लस 2 moles ऑफ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, इसको मैं हीट करता हूं, बराबर है, ये 2 moles होगा, और ये आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है, बेंजीन यहाँ Cl होगा, यहाँ CH3 होंगे, प्लस बच्चा लोग यहाँ एक आएगा पैरा पोजीशन पे CH3, यहाँ Cl होगा पैरा पोजीशन पे CH3, प्लस 2 moles ऑफ वॉट HCl, 2 moles ऑफ HCl, इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग, ये 1 हो गया, ये 2, तो 2-chloro-toluene बोला जाता है इसको हम लोग, 2-chloro-toluene, बेंजीन विद CH3 इज टॉल्विन, और इसको हम बोलते हैं बच्चों 4-chloro-toluene, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आदित्य, समझ रहा है आपको? यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कैन एनीबडी टेल मी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ CH3+ is my what, electrophile. अब दिखाई दे रहा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही रिएक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव चार्ज था, पैरा पोजीशन पे भी निगेटिव चार्ज था, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा। ये फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन हो गया, जिससे फ्रिडल क्राफ असाइलेशन भी हो, फ्रिडल क्राफ असाइलेशन का मतलब होता है जब भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन को अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप। असाइलेशन का मतलब होता है व्हेन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू
डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज असाइल ग्रुप. असाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश, ये होता है मेरा असाइल ग्रुप. क्या होता है ये? असाइल ग्रुप. तो ये मैं यहाँ रिएक्शन करता हूँ, ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करता हूँ मैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन में असाइल क्लोराइड टू सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता एन हाइड्रस इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री हीट करते हैं, ये टू मोल्स होगा. ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन का रिएक्शन होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे रिएक्शन होगा बच्चा लोग, यहाँ सी एल सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री यहाँ एक आएगा और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बनता है बच्चा लोग, देखेंगे पैरा पोजिशन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री और इधर क्या अटैच होगा सी एल प्लस बनेगा टू एच सी एल. इसको हम बोलते हैं टू क्लोरो, इसका नाम है टू क्लोरो एसिटोफिनॉन, टू क्लोरो एसिटोफिनॉन बोला जाता है इसको, और इसका नाम है बच्चे लोग फोर क्लोरो, फोर क्लोरो एसिटोफिनॉन. ये मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चे लोग और ये क्या होगा मेरा माइनर प्रोडक्ट. ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा. ये होता है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड. जब भी CH3 ग्रुप अटैच होगा, ये मेथाइल ग्रुप अटैच होगा तो एसिटाइल होगा, ये अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को अटैच होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड O+ होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल. इस रिएक्शन में इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कैटायन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एसिटाइल कैटायन. इसका नाम है एसिटाइल कैटायन. तो ये है मेरे फ्रीडल क्राफ्ट डिकाइलेशन विच इज शोइंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऑर्थो एंड पैरा पे पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री एंड पैरा पे भी सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री अटैच होगी, ये प्रोडक्ट बनाएगा. ये दोनों रिएक्शन मेरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. दो रिएक्शन और है इस सेट, इसका इलेक्ट्रोफिलिक का दो रिएक्शन और बचा हुआ है. वन इज कॉल्ड एज वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन एंड दैट सेकेंड वन इज अ फिटिंग रिएक्शन. कोई बता सकता है बच्चा लोग वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है? आदित्य, व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन? We'll take a words reaction, बच्चे लोग words fitting reaction. एक है अपना words, दूसरा है fitting, words fitting reaction. Words fitting reaction का use क्या होता है मालूम? It is used to prepare alkyl benzene. It is used to prepare alkyl benzene. Alkyl benzene बनाने के लिए use करते हैं बच्चा लोग.
अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। जनरल रिएक्शन क्या होगा बोलो? आई टेक अ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल एंड आई टेक व्हाट हियर एराइल हैलाइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स ले लेते हैं, अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर, हीट एंड ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो ये 2 moles लगेगा। ये जो Cl होता है, ये दोनों Cl इस Na के साथ जाता है और क्या बनता है? 2NaCl। एंड हियर यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट? बेंजीन। यहाँ आपका R अटैच होगा प्लस 2NaCl। इसको हम बोलते हैं चलो अल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल बेंजीन। इसका नाम है मेरा क्लोरोबेंजीन। और इसको हम बोलते हैं अल्काइल क्लोराइड। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन का मेन यूज होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल। कोई भी अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं। जैसे सपोज एक आपको एग्जांपल लिखता हूँ, मुझे इथाइल बेंजीन बनाना है। आई वांट टू प्रिपेयर इथाइल बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। From chlorobenzene, ethyl benzene का फॉर्मूला बताओ क्या होगा बच्चा लोग? यहाँ R के जगह C2H5 आएगा ना, तो आप क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन तो ऐसे रखोगे, क्लोरोबेंजीन, ये दो सोडियम मेटल एक्टिव मेटल ऐसे रहने वाला है, ये Cl, ये C, ये R के जगह आपको लिखना पड़ेगा C2H5। हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ वॉट? ड्राई। ये दोनों क्लोरीन इसके साथ चले जाते और आपको ऐसा प्रोडक्ट आता है, बेंजीन। यहां आएगा C2H5 प्लस 2NaCl। इसको हम बोलते हैं इथाइल बेंजीन। तो यू कैन प्रिपेयर इथाइल बेंजीन बाय दिस मेथड। इथाइल बेंजीन हम फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन से भी बना सकते, बट वो सब्स्टिट्यूटेड के फॉर्म में आएगा। ये एक रिएक्शन हो गया। इसी का एक दूसरा रिएक्शन होता है बच्चा लोग, वर्ड्स के जगह सिर्फ फिटिंग रिएक्शन, ओनली फिटिंग रिएक्शन। यदि मैं सिर्फ फिटिंग रिएक्शन बोलूंगा ना, तो इसका मतलब रहता है डाई फिनाइल प्रिपरेशन। क्या होता है बच्चा लोग? डाई फिनाइल बनाना। हाँ, तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर डाइफिनाइल बनाने के लिए यूज करते हैं। डाइफिनाइल का फॉर्मूला होता है, देखो 2 moles ऑफ क्लोरोबेंजीन लेना है। 2 moles of chlorobenzene reacts with sodium metal. 2 moles of chlorobenzene, this is a 1 mole, this is 1 mole. 2 moles of chlorobenzene reacts with sodium metal in presence of dry ether. जहां आपने अल्काइल क्लोराइड लिया था वहां दोनों सेम मोल ले लो, ये क्लोरोबेंजीन ही ले लो, सिर्फ एराइल हैलाइड्स का रिएक्शन करो, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन, ये ऐसा। इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल प्लस 2 moles ऑफ वॉट? NaCl। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज बच्चा लोग डाइफिनाइल। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताता हूं। मैंने अभी आपको समझाया बच्चा लोग कि जितने भी क्लोरोबेंजीन है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को
अंडर नॉर्मल कंडीशन पे बताता है, बट यदि मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता, ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं होता है। अब नहीं होता है मतलब इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। ये कैसे रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे रीड बच्चा लोग इसको, ये सब थे मेरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस मूविंग टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैम्स। मैंने आपको यही वर्ड बोला कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है मेरा, मेरा आवाज आ रहा है बच्चे लोग? यस सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, Under ordinary condition, aryl halides, under ordinary condition, aryl halides do not undergo nucleophilic, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताता है। इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसके दो रीजन, आप देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं आदित्य? एक तो SN1 रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है SN2 रिएक्शन, यस और नो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि मुझे एराइल हैलाइड्स में करना है तो aryl halides either it moves to SN1 reaction or it undergo SN2 reaction, है ना? ये दोनों रिएक्शन नहीं बताता। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 होता है और दूसरा होता है बच्चे लोग SN2 होता है। ये दोनों रिएक्शन नहीं बताता। जैसे सपोज आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया और इसका आयोनाइजेशन किया, इसका आपने क्या किया बच्चा लो? आयोनाइजेशन किया। क्या किया? आयोनाइजेशन करोगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको ना ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये Cl- आएगा, है ना? ये जो फिनाइल कैटायन है, ये है फिनाइल कैटायन। आपको याद होगा SN1 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉल्ड एज कार्बोकैटायन, यस और नो? कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म से जा रहा है तो वो कौन सा कार्बोकेटायन बनाना चाहिए, सॉरी इंटरमीडिएट कौन सा बनाना चाहिए? कार्बोकेटायन बनाना चाहिए। और दूसरा जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए। क्या ये फिनाइल केटायन को आप स्टेबलाइज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर है, सो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता एंड ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। इसलिए ये कभी भी SN1 रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। तो aryl halides do not undergo SN1 mechanism या do not show SN1 reaction because phenyl cation जो बनेगा after self ionization
Phenyl cation is not stabilized by what resonance? It is not stabilized by resonance, and hence it is not undergo by SN1 reaction. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फिनाइल कैटाइन इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हेंस रूल्ड आउट SN1 mechanism. Hence it ruled out SN1 mechanism. Are you getting my point, बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? Yes or no? Yes sir. देखो मैंने क्या किया, phenyl cation बनाया. आप पहले समझो SN1 mechanism से यदि आप जाते हो, कोई भी reaction SN1 mechanism से जाता है, तो मैंने आपको condition लिखाया था SN1 का कि ये carbocation बनना चाहिए, intermediate क्या बनना चाहिए, carbocation. चलो इसका self ionization करने के बाद मैंने carbocation तो बना लिया. अब ये carbocation जो होना चाहिए वो stable carbocation होना चाहिए. यदि वो stable carbocation है तभी वो SN1 mechanism को favor करेगा. ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है. डबली बॉन्डेड कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, इट इज नॉट स्टेबल. दूसरी बात, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस आल्सो. इसको रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं होगा. जब लैक ऑफ रेजोनेंस है, रेजोनेंस है ही नहीं, SN1 का मैकेनिज्म रूल्ड आउट हो जाता है. अब बच्चा लोग बोलते तो सर SN2 से पॉसिबल होना चाहिए. यस, अब देखते हैं SN2 में यदि आप जानते हो कि ये बताता है, क्या बताता है, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक बताता है. यस और नो बच्चा लोग? ये क्या बताता है? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. The backside attack of nucleophile is blocked by pi electron clouds of aromatic ring. Thus, it ruled out SN2 mechanism. ये ना SN1 से जाता है ना SN2 जैसे जाता है. Ruled out SN2 mechanism. देखो ये मेरा बेंजीन रिंग है बच्चा लोग, ये मेरा बेंजीन रिंग है, बराबर है. ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, सब कुछ मेरा OH- है. ये OH- आयन इसके ऊपर अटैक करने को आता है. ये OH- आयन इसके ऊपर अटैक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इसको रिपेल कर देता है. ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, ये 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने नहीं देता है. डज नॉट अलाउ द बैक साइड अटैक, ब्लॉक्स द बैक साइड अटैक. एंड ड्यू टू ब्लॉकिंग के वजह से बैक साइड अटैक नहीं होगा, तो क्या SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि SN2 में ज्यादा फेवर क्या होता है, बैक साइड अटैक. फ्रंट साइड अटैक तो होता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, रिपल्शन होता है. इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या हो गई, मेरी रूल्ड आउट हो गई SN1 एंड SN2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? समझ रहा है बच्चा लोग क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर. मैंने दो केस, इसमें SN2 में बैक साइड अटैक होता है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है. SN2 में बैक साइड अटैक होगा तभी वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा. तो अराइल हैलाइड्स में ना, जब न्यूक्लियोफाइल अराइल हैलाइड्स के ऊपर अटैक करने को आता है ना, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है रिंग के, एरोमेटिक रिंग के, इस न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने से ब्लॉक कर देते हैं. ये बैक साइड से अटैक होने ही नहीं देते, जिसके वजह से SN2 मैकेनिज्म रूल्ड आउट हो जाता है.
और यहाँ सेल्फ आयोनाइजेशन से फिनाइल कैटायन बनता है। ये फिनाइल कैटायन कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, मतलब कैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो SN1 मैकेनिज्म को रूल्ड आउट होता है। तो मैंने क्या बोला कि SN2 मैकेनिज्म जो होता है ना, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा तो इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है, ड्रास्टिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसे मेंटेन करते हैं वो देखते हैं। दूसरी बात, यहां मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं, एक पॉइंट और लिख देता हूं। यदि मेरा अराइल हैलाइड्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, जैसे सपोज आप लोग मेरे को बताओ जरा, बच्चा लोग थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, हम लोग लॉजिकल वे से सोचते और फिर हम लोग आगे चलते। ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हो तो ये ऐसा आता है, बराबर है ना बच्चे लोग? यस और नो सेवर श्रावणी नरसाले? यस सर। ये डबल बॉन्ड सीएल आएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस की माइनस? प्लस। और अब मुझे बताओ, जब मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आऊं, सपोज न्यूक्लियोफाइल यहाँ लेके आऊं, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा? नहीं, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना बच्चा लोग, बराबर है? तो ये न्यूक्लियोफाइल रिपल्शन होगा। बट सपोज कोई मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पोजिशन पे अटैच कर दूं, ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ कोई मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोजिशन पे अटैच कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस और नो? यस, है ना? मैंने क्या बोला पहले, अभी इसको छोड़ दो दोनों, ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आप न्यूक्लियोफाइल को इस पोजीशन पे लेके आते हो तो ये कभी भी अटैक को फेवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों आपस में रिपेल हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस निगेटिव पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देता हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूंगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींचता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगा, इट फेवर्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इन अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फेवर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन अराइल हैलाइड्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकम ईजियर। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुझे करना है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है तो अराइल हैलाइड्स में मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करना। ये पॉइंट याद रखना बच्चा लोग। अभी मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा तो आपको और क्लियर होगा, डोंट वरी। आगे अभी मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ। चलो एक बार वीडियो ऑन करो सभी लोग एक बार वीडियो ऑन करो अपने। तुम लोगों का 7 बजे का लेक्चर रखा तो चलेगा क्या? 6:30 बजे 7 बजे मॉर्निंग में? हाँ,
सर मेरा 8 बजे कॉलेज का लेक्चर होता है। तो तुम्हारे वजह से तो 6:30 बजे बोल रहा हूँ सर सुबह। हाँ देखो सार्थक तैयार है हर समय, है ना सार्थक? क्या करना है अपने को, ऑन करके बाजू में रख के सो जाना है, और क्या करना है? नहीं सर। हाँ 6:30 बजे बोला तो मोबाइल मैक्सिमम लोग मोबाइल चालू करेगा, ज्वाइन करेगा और तकिए के नीचे रख के सोएगा मस्त। मैं इधर से हाक मार मार के ना थक जाएगा, बोलेगा श्रावणी जाधव श्रावणी जाधव श्रावणी जाधव, वो तो झोपली आए तर कथा, वो कैसे बोलेगी, बोलेगी ही नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। कार्तिक कितना कठिन काम हो जाएगा ना 6:30 बजे उठना अपने लिए। नहीं सर चलेगा। उठता है क्या तू, 5 बजे उठता है? हाँ सर कभी एग्जाम्स रहते हैं तो तब। एग्जाम को ना ऐसा डेली उठना पड़ा तो कितना कठिन काम हो जाएगा। ये देखो वरद, वरद किधर गया था, गांव गया था क्या? अरे वरद भाग गया? नहीं सर। हाँ किधर गया था, गांव गया था क्या? 3-4 लेक्चर दिखा नहीं तू मेरे को? नहीं सर। अरे तेरे को देखा नहीं तो अपना लेक्चर ही अच्छा नहीं जाता है। किधर है तू? नोटबुक कंप्लीट कर लिया क्या? यस सर। अच्छा वैष्णवी, वैष्णवी समझ रहा 6:30 बजे का क्लास रखा तो चलेगा क्या? चलेगा। अरे बाप रे ऐसा बोलो मत, तुम लोग, तुमको बहुत लोगों, ये लोग बहुत वो करेंगे। और कौन है, माधवी, हस्ती, साक्षी, ये लोग क्या है? ये लोगों को स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा क्या वीडियो ऑन करने के लिए? आयुष, गिरी, दिशा, प्रीति, सुभाष, ऑन योर वीडियो, सभी लोग ऑन करो वीडियो बच्चा लोग। दिशा तुम किधर गई थी, गाओ? नहीं सर। तो तुम्हारा होमवर्क नहीं आया मेरे को एमसीक्यूज का? सर किया है मैंने सेंड। तो कौन ने किया है, प्रीति तुमने भेजा है? नहीं प्रीति तो भेजा था तुमने? नहीं किया है मैंने, भेजा नहीं ना? नहीं। मैंने एमसीक्यू उसका ना आंसर की भी भेजा है तुम्हारे लिए, कितना अच्छा काम कर दिया मैंने, जस्ट चेक भी कर सकते हो आप लोग आपने जो किया है कि राइट है कि रॉन्ग है, है ना राजलक्ष्मी? पहले अनम्यूट तो करो अपने आप को। यस सर। हाँ कौन बचा है, साहिल यादव हो गया, प्रीति, दो दो प्रीति। अरे रितिका आता ज्वाइन के लिए? नो सर। प्राची मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको कैसे समझा? अरे हमको भी पता चल गया। थैंक यू सर। हाँ सब लोग इससे चॉकलेट ले लेना, नहीं देगी ना तो मेरे को बताना, मैं चॉकलेट खिलाएगा तुम लोगों को। हाँ सर। हाँ सब लोग चॉकलेट ले लो। यस। हाँ कौन सा चॉकलेट चाहिए तुम लोगों को? तो बोनविल। चलो अपना अपना फरमाइश ना सब उसको भेज दो प्राची को, हाँ लिख के सब लोग, टेंशन मत लो प्राची देगी। स्पॉन्सर कौन करेगा? हाँ स्पॉन्सरिंग कौन है सर, कौन करेगा? पहले उसको वही करेगी स्पॉन्सर, बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल्स करते हैं ना सब लोग।
अब वो नहीं करेगी तो फिर हम लोग करेंगे स्पॉन्सर, डोंट वरी। हाँ सर, यस सर। लॉकडाउन में बर्थडे भी ऐसे सूखा सूखा जाता है ना, नहीं तो उस दिन तो चाइनीज ये वो अगड़म बगड़म जितना है, क्या है क्या खाने को वो सोचो, क्या खाएं क्या ना खाएं ऐसा सोचते हैं, है ना पूनम, ऐसे ही सोचते ना हम लोग। नहीं सर। तुम लोगों का एक पार्टी बच गई, एक पार्टी वो हो गया, मिस हो गया है ना श्रावणी नरसाले, एक पार्टी। चलो जाने दो, टेंशन मत लो, कभी भी मिलेगी ना तो उसको पकड़ के लेके जाना दुकान में। हाँ चलो, ये आदित्य नहीं दिख रहा है मेरे को, क्या मैं हूँ? हाँ किधर है तू? ये 35 लोग थे मेरे को, अभी 30 लोग दिख रहे हैं। हाँ आदित्य तेरा फोटो गायब हो जाए। आदित्य तेरा फोटो किधर दिख रहा है मेरे को? आज क्या बैकग्राउंड ब्लैक रखा है तू? तो मेरा नेटवर्क आज वीक है, मैं ऑन करूंगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यस जादो कृष्णा, ये लोग क्या है बच्चा लोग, तुम लोग हाँ कौन सा नेटवर्क लिया है? वोडाफोन वाला लिया है क्या तुम लोग? कृष्णा, यस, साक्षी, माधवी, हाँ जियो वाला फोन ले लो, जियो वाला अच्छा नेटवर्क है उसका। चलते हैं बच्चा लोग आगे, हम लोग लास्ट पार्ट है, खत्म करते चैप्टर है ना। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेट अस सी इन द ड्रास्टिक कंडीशन किस तरह ये रिएक्शन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक क्लोरोबेंजीन है, अब इस क्लोरोबेंजीन का मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं हम लोग इसका। पहला जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बच्चा लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो हम लोग करते हैं एक्वेस एनएमएच। एक्सेस पहला एक्सेस ऑफ एक्वेस एनएमएच, इसको टेम्परेचर रखते हैं 623 कैलोरी, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा स्टेप इसी में हम लोग करते हैं डाइल्यूट एचसीएल ऐड करते हैं। जब आप ये करते हो ना तो OH आ जाता है, Cl के जगह क्या आ जाएगा बच्चा लोग? OH। Cl के जगह OH बनता है और इधर बनता है आपका NaCl। ये न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस आयन इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल को आप दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करें, ये एक रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन है सोडियम साइनाइड प्लस CuCl, इसको हम लोग हीट करते हैं अबाउट 473 केल्विन स्टूडेंट अंडर हाई प्रेशर पे हम लोग इसको हीट करते हैं। तो मुझे बताओ ये प्लस होता है ये माइनस, एनी कंबाइंड विद सीएल हो जाएगा, एनएसीएल बन जाएगा और इधर आपका सीएन डायरेक्टली अटैच होता है। दिखाई दे रहा बच्चा लोग न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं NaCl। नेक्स्ट वाला रिएक्शन है हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, 2NH3 लेते हैं
और इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड CU2O के साथ रिएक्शन करते हैं हीट करो अंडर हाई प्रेशर. अंडर हाई प्रेशर इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहां से क्या होता है बच्चा लोग यू विल गेट अ क्लियर बेंजीन बेंजीन विद NH2 आयन एनिलीन बन जाता है. क्या बन जाता है एनिलीन. तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई दे रहा है कितने हाई प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है. क्या होता है हाई प्रेशर. अब मैं क्या करता हूं इसी में ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूंगा ना तो ये रिएक्शन नॉर्मल केस में होने लगेगा. देखो दोस्तों क्लोरोबेंजीन लिया मैंने और इसको मैंने नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया. दिखाई दे रहा आपको नाइट्रो ग्रुप में यहाँ अटैच करो यहाँ NO2 ग्रुप आया और यहाँ NO2 ग्रुप आ रहा है. इसको हम बोलते हैं वन क्लोरो टू कॉमा फोर डाई नाइट्रो बेंजीन. इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं बच्चे लोग अगेन OH माइनस से कर रहा हूं. जब भी OH माइनस से करूंगा ना तो मतलब ये क्या होगा नॉर्मल केस में रिएक्शन होता है जैसे सोडियम हाइड्रो पहला केस आएगा NaOH. ये जो OH माइनस आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट NaOH एक्वेस NaOH. टेम्परेचर लगता है हमें 368 केल्विन और दूसरा स्टेप होता है डाइल्यूट HCl. तो Cl की जगह क्या आ जाएगा OH आ जाएगा. ये देखो यही रिएक्शन है ये सेम रिएक्शन है बच्चे लोग. बट ये टेम्परेचर देखो 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ टेम्परेचर देखो 368 केल्विन डाइल्यूट HCl. टेम्परेचर कम हुआ कि नहीं कम हुआ नॉर्मल केस हुआ. ये एक रिएक्शन सपोज मैंने ऐसा कर दिया बच्चे लोग रिएक्शन इसको मैं OH के साथ रिएक्शन कर रहा हूं. बराबर OH के साथ रिएक्ट जस्ट फॉर्म कर फॉर्म विद फॉर्म ये OH हो जाएगा ये यहां OH आ जाएगा. दिख रहा है बच्चा लोग ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो फेवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अंडरस्टूड बच्चा लोग यस और नो. यस सर. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाता है.
एक रिएक्शन है बच्चा लोग, दैट इज व्हाट डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का स्ट्रक्चर वो मैं बता देता हूँ, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा अपना। डीडीटी का एक स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। यूजेस के लिए क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ये सब यूजेस के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है बच्चा लोग, मैं यूजेस नहीं करा रहा हूँ, ये रेफर योर टेक्स्ट बुक। क्लोरोफॉर्म का यूजेस, आयोडोफॉर्म का यूजेस, फ्रेयॉन का यूजेस, डीडीटी का यूजेस, ये सब के लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा, तो रेफर योर टेक्स्ट बुक है ना। आता है बच्चे लोग हम लोग डीडीटी का स्ट्रक्चर आते हैं, डीडीटी डीडीटी इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्या बोलते हैं इसको ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है, डीडीटी का स्ट्रक्चर का फुल फॉर्म है इसको, और इस तरह में लिखता हूं, इसको ऐसा लिख देता हूं, पी पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो, इसका स्ट्रक्चर बताओगे आपको बच्चों लोग, स्ट्रक्चर बताओगे क्या? देखो इथेन है मतलब दो कार्बन आएंगे, कार्बन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर दो, डाइफिनाइल है तो एक फिनाइल ग्रुप इधर अटैच कर दो, दूसरा फिनाइल ग्रुप इधर अटैच कर दो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये पी पी डैश होगा, यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, और ये क्या होगा आपका H, ये स्ट्रक्चर हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका यूज होता है इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मलेरिया, इसका यूजेस क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ व्हाट इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड देखा होगा ना बारिश के टाइम में बीएमसी वो फ्यूमिंग करती ना मशीन लेके, देखो धुआं करती है फ्यूम्स डालते हैं, तो मलेरिया वो डीडीटी का ही सोल्यूशन रहता है, तो यूज्ड एज ए बच्चे लोग यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट मलेरिया। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? अब आपको ना कुछ कंपाउंड्स के नेम में ऐसे लिख देता हूँ, आपको इसी तरह लिखना है, पहला मैं यहाँ लिखता हूँ नेम ऑफ कंपाउंड, इसी तरह कॉलम बना के आपको लिखना, नेम ऑफ कंपाउंड फिर यहाँ लिखना है स्ट्रक्चर, लिखना उसका स्ट्रक्चर लिखना है, फिर यूजेस लिखना है, और फिर लिखना है बच्चे लोग इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट यस और नो? तो जैसे मैं एक बताता हूं, जैसे मेरा क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ आप ऐसा लिखो क्लोरोफॉर्म, यहाँ ऐसा लिखो क्लोरोफॉर्म, स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म का ऐसा होता है HCl Cl Cl एंड Cl, उसका यूजेस लिखो टेक्स्ट बुक से रेफर करके, एटलीस्ट 4 यूजेस लिखो, और उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो भी दिया है आपके टेस्ट बुक में, वो लिखना। समझ में आ रहा सभी को? यस और नो? यस सर। ऐसे ही कौन कौन से कंपाउंड, एक तो क्लोरोफॉर्म है, दूसरा आयोडोफॉर्म है, तीसरा आपका फ्रेयॉन, चौथा आपका डीडीटी, एंड पांचवा आपका CCl4, ये कंपाउंड्स का लिखना है। समझा आप लोगों को सभी को? यस सर। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन के, सब लोग अपने टेक्स्ट बुक ओपन करो और वीडियो ऑन करो।
टेक्स्टबुक ओपन करके वीडियो ऑन करना है। ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया, टेक्स्टबुक ओपन करके वीडियो ऑन करो सभी। सर टेक्स्टबुक सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है, सो पीडीएफ ऑन करना पड़ेगा। वीडियो ऑन कैसे रखेंगे फिर, वो बंद होता है वीडियो। ओके ठीक है ठीक है, मत करो, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ और पेज नंबर बोलता हूँ, लिख लो और वो आपको सॉल्व करना है। पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ना सब 8 है, वो आपको चारों सब सॉल्व करना है। हाँ ये नेक्स्ट क्लास के पहले चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट सॉल्व करना, 1 से लेके 8 तक दिया है वो सॉल्व करना है सभी को। दूसरा है आपका एमसीक्यूज, पेज नंबर 231 एमसीक्यू, 10 एमसीक्यूज है, वो 10वें एमसीक्यू सॉल्व करना है। इतना ही होमवर्क है और इसका छोटा सा पार्ट बाकी, वो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क देता हूँ। समझा बच्चे? यस और नो? यस सर। तो हम लोग यहीं तक करते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग, थैंक यू सर, बाय बाय।